Experience meets art. Introducing the new Motorola H50 Pro. Hello Moto. जय हिंद दोस्तों, आप लोग को पता है कि Motorola H50 Pro आ चुका है इंडिया में, जो काफी YouTube पर हाइप मच चुका है, देखे होंगे तो इस फोन का स्पेसिफिकेशन जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं भाई, क्योंकि अनबॉक्सिंग भी देख चुके होंगे काफी सारे लोग। बाकी इस फोन में काफी ज्यादा वर्ल्ड फर्स्ट का नारा लग चुका है, जैसे कि हमारे यहाँ के नेता लगाते हैं उस तरह से। तो इसमें आप लोग वर्ल्ड फर्स्ट डिस्प्ले देखेंगे, वर्ल्ड फर्स्ट का कैमरा देखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट चार्जिंग देखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट वाटरप्रूफ के साथ 50 वाट वायरलेस चार्जिंग दिया गया है। इसको बाद में बात करते हैं, पहले यूट्यूबरों का थंबनेल देखिए भाई, लड़की से ज्यादा नखरा इन लोग का थंबनेल में है। बात तो सही है। काफी सारे आम इंसान को यह फोन अट्रैक्ट कर सकता है अपने तरफ, क्योंकि इसका डिजाइनिंग काफी मस्त वीगन लेदर के साथ आता है, मेटल फ्रेम के साथ आता है और वो डिस्प्ले के साथ आता है, जो भी कुछ कहने के लिए बात ही नहीं बनता इस पर, क्या बोलते हैं, हाँ तो समझ सकते हैं, यही कुछ है मस्त भाई। बाकी इसका डिस्प्ले में जो कि वर्ल्ड फर्स्ट का नारा देख सकते हैं लग चुका है, डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। और बाकी इसका वर्ल्ड फर्स्ट का नारा लगाने का कारण पेंटोन कंपनी का इसके साथ मिलना है, जो कि ट्रू कलर दिया जाएगा। तो पेंटोन क्या है नहीं है इस वेबसाइट पर देख सकते हैं भाई। इसका हम कैमरा से बात कर ले तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि काफ़ी मस्त है भाई इसका सेटअप। बाकी काफ़ी सारे क्रिएटर का अनबॉक्सिंग देखे, कैमरा सिंपल देखे तो काफ़ी लोग बता रहे कि ठीक है, लेकिन कुछ ही लोग बता रहे कि AI से थोड़ा सा काम आ रहा है, बाकी AI का मज़ा उतना नहीं है इस कैमरा में। बाकी कह रहे इस बार की फोटो काफ़ी इम्प्रूव करा गया है, तो भाई पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद ही बताया जा सकता है और खुद भी आप लोग एक्सपीरियंस करिएगा इस फोन को। बाकी तो भाई AI का फीचर्स कहीं पर भी देखने के लिए हमको नहीं मिला भाई, जितना भी अनबॉक्सिंग देखे तो। बाकी कंपनी जो कि हाइब्रिड जूम 50x दिखाती है और यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग देखिएगा वो लोग 30x हाइब्रिड जूम बता रहे हैं। वाह, Motorola वाले आप पहले खुद समझ लीजिए और यूट्यूबर सब समझ जाए ना, हम कोई भी आदमी खरीदता है इस फोन को 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ तो 68W का अडेप्टर मिलेगा, लेकिन 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ लेते तो 125W का अडेप्टर मिलने वाला है। तो प्राइजिंग में डिफरेंस कितना है 4000 का देख रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि 68W भी काफ़ी फास्ट चार्जिंग कर देगा, तो नहीं भाई, 125W चार्जिंग जो कि 18 मिनट में 0 to 100 कर देगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि 125W का हम अडेप्टर ले लेंगे, तो नहीं भाई, आप अडेप्टर इंडिया में इसका नहीं आता है। बाकी ग्लोबल देख सकते हैं जो कि $70 में आता है और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते तो कितना महंगा पड़ जा रहा है, ऑलमोस्ट 6000 के प्राइसिंग में आ जा रहा है भाई इसका केवल अडेप्टर। बाकी इसका वायरलेस चार्जिंग मिलता है 50W का, लेकिन Motorola के इंडिया के वेबसाइट पर जाते हैं तो कहीं पर भी Motorola वाले वायरलेस चार्जिंग को नहीं लेके आए हैं। तो भाई अदर कंपनी खरीदने जाइएगा तो 6000 से 4000 के बीच मिल जाएगा 50W की बात कर रहे हैं, जो कि OnePlus का देख सकते हैं। बाकी इसमें 10W का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, तो आईफोन चार्ज करिए। थैंक्स। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस प्रोसेसर से बात करें तो इसमें वर्ल्ड फर्स्ट स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ आता है, जो कि अल्ट्रा स्मूथ है भाई। लेकिन एक टेक यूट्यूबर का भाई फोटो वीडियो देख सकते हैं जो कि कितना खराब घटिया परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ अलग ही लेवल का भाई कंपनी बताती है और कुछ अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है। उसके बाद इसमें तो वाटरप्रूफ दिया गया जो कि IP68 का सर्टिफिकेशन है, लेकिन इस फोन में आप लोग कितना मीटर तक पानी में डाल सकते, कितने घंटे कितने मिनट के लिए कहीं पर भी वेबसाइट पर नहीं लिखा भाई, यह चीज़ हमको लगा देखकर बेकार। बाकी आप लोग इस फोन को पानी में मत गिराइएगा, जो भी लेंगे लोग तो समझ सकते यही कुछ है भाई। बाकी आप लोग सोच रहे कि इस फोन में कुछ ना आया खतरनाक, तो भाई खतरनाक यही है इस प्राइस रेंज में टाइप सपोर्ट जानते कौन सा 3.1 वाला है, जो कि आईफोन के 1.5 लाख में आता है और सैमसंग के प्रीमियम फोन में आता है, लेकिन इसमें दिया गया तो आप लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं, इसमें ज्यादा जल्दी जो कि डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बाद इसमें डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। बट एक बात बताते हैं जो कि इसमें रैम स्टोरेज जानते कौन सा मिलता है, NVIDIA DDR4X रैम मिलता है और स्टोरेज EFS 2.2 के साथ आता है, तो जीवन मोय हो गया है ना। तो Motorola के कोई देख रहा है हमको तो भाई एक चीज़ बताते हैं, आप लोग रियल लाइफ में जो यूज होना चाहिए उसको ना देकर भाई इतना प्रीमियम चीज दे दिए कुछ करने के लिए, नहीं गजब बेइज्जती है। तो कुछ क्रिएटर पता रहे क्या फोन है भाई, बेहतर है भाई, वर्ल्ड फर्स्ट AI कैमरा बाई फोन,
अरे भाई AI के फीचर्स कुछ खास इसमें है नहीं, अल्ट्रा स्मूथ बताती है कंपनी, डिस्प्ले को इतना बेहतर कर देती है और चार्जिंग और प्राइसिंग देख के तो माथा खराब हो जाता है भाई। लेकिन इस फोन को आप लोग ऑफलाइन जाकर एक्सपीरियंस करके ही लीजिएगा दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मोटोरोला का कैमरा इतना भी अच्छा नहीं आता है जिस भी प्राइस में हम देखे हैं। बाकी इसमें न्यू UI आता है जिसकी हेलो UI के साथ आता है, तो एंड्रॉइड 14 मिल जाएगा। और मोटोरोला का कहना है कि हम 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट देंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देंगे। प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है भाई, बाकी आप लोग को परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो इस फोन को नहीं लीजिए, कैमरा के लिए चाहिए तो इस फोन को नहीं लीजिए, लेकिन चार्जिंग के लिए चाहिए तो इस फोन को मत लीजिए कंट्रोल, तो भाई लीजिएगा क्या, अदर फोन भी इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है भाई। बाकी यह वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट करते वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। बाकी चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होता है, जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।